नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। 40 दिन की चर्चा और खींचतान, उठा पटक, ट्विस्ट, तीखे बयान के बाद दोनों दलों में सहमति बन गई है। इसके पीछे बड़ी वजह प्रियंका गांधी को माना जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सीट शेयरिंग में प्रियंका गांधी ने काफी अहम रोल अदा किया है। उन्होंने ही पहले राहुल गांधी से बातचीत की और उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत की। सपा कांग्रेस गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का औपचारिक ऐलान सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी और यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने बुधवार लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। हालांकि माना यह जा रहा है कि दोनों दलों के बीच सपा के लिए 63 और कांग्रेस के लिए 17 सीटों पर सहमति पहले ही बन गई थी। मंथन सिर्फ इस बात पे चल रहा था कि जो 17 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी वे कौन सी होंगी, इसके पीछे एक पूरा गणित था। आपको बता दें, वाराणसी की सीट पर सपा ने एक दिन पहले ही सुरेंद्र सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब ये कांग्रेस के खाते में है। अमेठी ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है। ये पहले ही तय माना जा रहा था कि यदि सपा और कांग्रेस में गठबंधन होता है तो ये सीट कांग्रेस के ही खाते में जाएगी। इस सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि 2019 में वे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से उनके अमेठी से लड़ने की चर्चा शुरू हो गई है। रायबरेली सोनिया गांधी यहां से लगातार 4 बार सांसद रह चुकी हैं। इससे पहले ही गांधी परिवार या उनके खास करीबी ही सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इस बार सोनिया गांधी के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद प्रियंका गांधी यहां से मैदान में उतर सकती हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, जिससे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय चुनाव लड़ चुके हैं। एक दिन पहले ही सपा ने यहां से सुरेंद्र सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया था। अब यह सीट कांग्रेस के खाते में है। सहारनपुर कांग्रेस नेता इमरान मसूद इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए यह सीट खाली कर दी है। अमरोहा समाजवादी पार्टी ने यह सीट भी कांग्रेस को ही दी है। यहां से पिछली बार बसपा के दानिश अली चुनाव जीते थे, अब वे पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस से उनकी नजदीकी जग जाहिर है। भाजपा सांसद रमेश बिदूड़ी द्वारा संसद में की गई टिप्पणी के बाद दानिश अली ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। कानपुर मध्य यूपी की यह सीट यूपी की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहां से पिछली बार कांग्रेस उम्मीदवार श्री प्रकाश जायसवाल दूसरे नंबर पर रहे थे, ऐसे में कांग्रेस को यहां उम्मीद दिख रही है। फतेहपुर सीकरी कानपुर की तरह ही फतेहपुर सीकरी में भी कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर दूसरे नंबर पे थे। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार यह सीट उनके खाते में आ सकती है। गाजियाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यह सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दे दी है। यहां 2019 के चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। बारंबाकी यहां भी 2019 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे थे। महाराजगंज प्रयागराज और इसके अलावा कांग्रेस के खाते में देवरिया बासगांव सीतापुर बुलंदशहर झांसी और मथुरा की सीट भी आई है। ये वे सीटें हैं जहां कांग्रेस दूसरे या तीसरे नंबर पर ही रही हैं। पार्टी को इन सभी सीटों पर इस बार जीत की उम्मीद दिखाई रही है। आप इस गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए क्लिक इंडिया।